हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। टियांस इंटरनेशनल एक ग्लोबल कंपनी है, स्पेशली हमारे वो बिजनेस पार्टनर्स जो पिछले कुछ टाइम से इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, और या फिर हमारे जो गेस्ट पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि टियांस इंटरनेशनल, जिसमें आज से ठीक 20 साल पहले मुझे जुड़ने का मौका मिला, आज से ठीक 20 साल पहले मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल नया था, जीरो से मैंने शुरू किया इस बिजनेस को। और पिछले 20 साल की अगर हम बात करें, लास्ट 20 ईयर्स की स्टोरी यही है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने मेरे जैसे आम इंसान की जिंदगी खास बनाई है, आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, एक शानदार जबरदस्त 7-figure अर्निंग्स के साथ साथ एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने का मौका मुझे इस बिजनेस से मिला है। आज से ठीक अगर बात करें, 2003 की बात है जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री को देखा, टियांस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा मैं। जो लोग स्पेशली इस इंडस्ट्री में पहली बार आए हैं या नए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में अगर हमें कामयाब होना है तो 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज, जो कि आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। 5 ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, 5 एक ऐसे तरीके, ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये 5 चीज़ें अगर आपको मालूम है तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पर करोड़ों लोग आज पूरी दुनिया में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इस सिस्टम से, इस इंडस्ट्री से अपनी ज़िंदगी को शानदार बना रहे हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आम लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं था जिंदगी में, आज आम से खास हो गए हैं। खास बात यह है दोस्तों इस इंडस्ट्री की, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर सकते हैं आप क्योंकि पढ़े लिखे हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो और भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो शायद आपको कॉन्फिडेंस के साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं तो शायद हो सकता है आज आप किसी ऐसे गुरु, कुछ ऐसे मेंटर के अधीन हो जाएं, उनके सबमिशन में चले जाएं कि जो भी आपके सीनियर सक्सेसफुल लीडर आपको कह रहे हैं, आप उनकी बात को मानकर आप सक्सेसफुल हो सकते। तो पढ़े लिखे हैं अच्छी बात है, कम पढ़े लिखे हैं नो प्रॉब्लम, और आपकी एज क्या है डज नॉट मैटर। एज यहाँ पर कोई मायना नहीं रखता, आप 18-19 साल के हैं, 20-30-40 साल के हैं या 60-70-80 साल के हैं, कोई भी इस इंडस्ट्री में काम कर सकता है। कहाँ रहते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हैं, आप कहीं भी रहते हो, आप इस इंडस्ट्री से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए कि इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, आपको विश्वास और फेथ उस काम में, जिस काम के अंदर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि टियांस इंटरनेशनल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आपको इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर 100% विश्वास है? अगर आपके पास आपको अगर 100% विश्वास है तो यकीन कीजिएगा, हो सकता है कुछ लोगों को टाइम लगे, कुछ लोग जल्दी और कुछ लोग थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कामयाबी आपकी पक्की। कंपनी की बात करता हूं मैं, नंबर 1 फेथ ऑन द कंपनी। क्या आपको फेथ कंपनी के ऊपर है? अगर नहीं है तो आपको अपने सीनियर, अपने सक्सेसफुल लीडर से पूछना चाहिए कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी कितनी पावरफुल है। जैसे कि आज टियांस के बारे में देख रहे हैं आप, टियांस का ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका एरिया लगभग 1000 एकड़ में फैली हुई कंपनी है, पिछले 27 सालों से, इस समय दुनिया के 224 कंट्रीज और रीजन में पिछले 27 साल से जबरदस्त बिजनेस कर रही है, बहुत ही पावरफुल कंपनी है, बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है। कोई भी कंपनी 27 साल के अंदर इस लेवल तक पहुंच गई, आप सोच सकते हैं आपने पिछले 27 साल में क्या काम किया,
आपकी क्या अचीवमेंट है, आपने पिछले 10 साल में क्या किया, आपने पिछले 5 साल में क्या किया, पिछले 15 साल में क्या किया, हम सब लोग जान सकते हैं अपने बारे में। सोचिए टियांस के जो फाउंडर, उन्होंने 27 साल पहले इस इंडस्ट्री को शुरू किया था और आज 27 साल में इस कंपनी के जो फाउंडर मिस्टर ली जिन योन सर, उन्होंने इस इंडस्ट्री को कहां से कहां पहुंचा दी। आज पूरी दुनिया में टियांस एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है, ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, जहां पर करोड़ लोग सपने देख रहे हैं अपनी जिंदगी को बदलने के। तो पहली बात है दोस्तों, कंपनी के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कंपनी के प्रति आपका 100% विश्वास, कंपनी को लेकर आपका जो अंडरस्टैंडिंग और जो विश्वास है वो जबरदस्त होना जरूरी है। क्योंकि ये कंपनी में आप एज ए बिजनेस पार्टनर आते हैं, आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, ना कि आप कोई नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। यहाँ आप खुद में बॉस हैं, आपका यहाँ पे कोई और बॉस नहीं है। आपको महसूस करना है क्या आपकी जो मेंटेलिटी है, जो आपका माइंड सेट है, जो आपका एटीट्यूड है, क्या वो एक बिजनेस ओनर की तरह है, एक मालिक की तरह है, जिम्मेवारी वाला, या फिर एक एम्प्लॉय की तरह कि मेरी ड्यूटी यही है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। ये बहुत कॉमन डायलॉग होते हैं जब आप कहीं पे एम्प्लॉयज होते हैं, मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी तो ड्यूटी यही है, मेरे को तो तनख्वाह इसी बात की मिलती है। दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय माइंडसेट। मैं भी एम्प्लॉय था किसी टाइम में, मैंने देखा है हमारा माइंडसेट ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब आप ओनर बनते हैं, जब आप मालिक बनते हैं, तो आपका माइंडसेट अलग हो जाता है। आप हर चीज को उस निगाह से देखते हैं कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेवारी है, दिस इज माय बिजनेस, यहाँ मेरे को डिसाइड करना है कि कहाँ कितनी ऊंचाई तक मुझे जाना है, यहाँ पर आपके हाथ में है कितनी ग्रोथ लेना चाहते हैं आप। यहाँ कोई और नहीं डिसाइड करने वाला आपके बारे में कि आपको कितनी ग्रोथ मिलनी चाहिए, यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं कि आपको ग्रोथ कितनी ज्यादा चाहिए और कितनी ग्रोथ आप यहाँ से लेना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस स्पेशली ये जो हमारा जूम पैनल होता है शाम को 9 बजे के आसपास का, ये प्रोग्रामिंग 1 घंटे का प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपका बिलीफ लेवल, आपका फेथ लेवल 100% हो जाता है, इवन मल्टीप्लाई होता है। आपकी जो पावर है, जो एनर्जी है, जो आपके अंदर जो जोश है और जो अपने सपनों को लेकर जो बिलीफ है आपके, वो और भी ज्यादा हो जाते हैं। क्यों ना हो, कंपनी ऐसी हवा में नहीं बनती है। आज ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी है, इतनी स्ट्रांग कंपनी बनी है, उसकी वजह है दोस्तों, उसकी वजह यह है कि इस सिस्टम में जो लोग जो जुड़ते हैं ना दोस्तों, उनके कारण होते हैं। यहाँ जो जुड़ने के बाद में काम करता है और अपने सपनों को पूरा करता है, क्योंकि उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, उन ड्रीम्स में पावर होती है, उन ड्रीम्स में ताकत होती है। और वो जो ड्रीम पूरे करने के लिए हमारे को जो व्हीकल चाहिए वो है कंपनी, कंपनी के प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे हैं? ऐसे प्रोडक्ट जो लोगों की जिंदगी को शानदार बनाते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं, मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। जो टियांस के पास प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर मैं बात करना चाहूंगा, हेल्थ इक्विपमेंट, अमेजिंग इक्विपमेंट्स हैं। जैसे आपको बताना चाहूंगा पर्सनल केयर में, जैसे हमारे पास सैनिटरी नैपकिन है, अमेजिंग नैपकिन है, ऐसे ही हमारे पास में दोस्तों हमारे स्पेशली जो भी न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट हैं, बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स वाले प्रोडक्ट्स। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट इस कंपनी ने बनाए वो जिंदगी बदलने वाले हैं, अमेजिंग हेल्थ केयर इफेक्ट देते हैं, इसीलिए ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी। ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी इसीलिए बनी क्योंकि यहाँ पर लोग लगभग आप देख सकते हैं 13,500, 27,000, 54,000 या 1,62,000 के आसपास की शुरुआत करके भी। अब मिनिमम आपको गोल्ड करना है, अगर आपने खुद गोल्ड किया और 2 लोगों को गोल्ड करा दिया तो आप हमेशा के लिए प्लेटिनम बन सकते हैं। ये एक ऑप्शन है यहाँ पर, आप चाहे, मैं बोलता हूँ 15,000 के आसपास से शुरू कर सकते हैं, या आप चाहें तो लगभग 27,000 या 54,000 या लगभग 1.5 लाख के आसपास से शुरू कर सकते हैं, आपकी च्वाइस है। बहुत छोटी सी एक लागत है जिसमें आप बकायदा प्रोडक्ट परचेज करते हैं इस कंपनी से। जिंदगी में एक बार करना है आपको गोल्ड, जिंदगी में एक बार करना है आपको प्लेटिनम, और पूरी जिंदगी के लिए आपके पास ऑप्शन है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये अपॉर्चुनिटी है जब आप काम करते हैं लोगों के साथ मिलकर। जब लोग आगे काम करते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता है, क्योंकि आपके हर लेवल में हर जगह पर पैसे पड़े हुए हैं। अब ये आपको समझ आना चाहिए कि इतना पैसा पड़ा हुआ है और दुनिया भर के लोग इस काम को करना चाहते हैं। अगर आपने इस काम को लोगों को समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया, इसमें मेहनत करनी शुरू कर दी, तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं हर लेवल पे जो फिगर है, ये फिगर आपके अकाउंट में आ सकते हैं। ये जो पेमेंट है, जब आपके अकाउंट में लाखों रुपए आते हैं ना हर महीने, तो आपकी जिंदगी अपने आप ही बदल जाती है, क्योंकि पैसा का रोल बहुत बड़ा है अपनी जिंदगी में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 स्टार, 7 स्टार,
8 स्टार ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन गोल्ड लाइन स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर ऑनरेरी डायरेक्टर ये लेवल्स हैं। हिंदुस्तान में इस टाइम 3 डायरेक्टर हैं। उन 3 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर मैं भी आपके बीच में हूँ। मैंने भी आप ही की तरह यहाँ से करियर शुरू किया था और आज मैं लगभग फाइनल स्टेज पे हूँ। अगला जो मेरा टारगेट है, जो अगला मेरा ड्रीम है वह है ऑनररी डायरेक्टर। आपका क्या ड्रीम है, आपका क्या टारगेट है? शुरुआत छोटे छोटे टारगेट से होती है। अभी गोवा का टूर चल रहा था, अभी चल रहा है बकायदा। अगले 2 दिन हमारे पास, 1 दिन गोवा के हैं। क्या आप गोवा क्वालिफाई करना चाहते हैं? कल और परसों में आप कर सकते हैं। इसके बाद दुबई तक का टाइम है, दुबई के लिए दिसंबर तक का टाइम है। आप चाहो तो दुबई हमारे साथ घूमने जा सकते हो। दुबई जाना चाहते हैं आप फ्री में घूमने के लिए? 5 दिन और 4 रातों का टूर है ये। खाना पीना, हवाई जहाज से जाना, हवाई जहाज से आना, है ना, और वहां रहना होटल्स में शानदार खाना पीना, एवरीथिंग इज फ्री। कोई टिकट नहीं लेनी आपको, कोई होटल का खर्चा नहीं देना, ना खाने ना पीने का। 5 दिन 4 रातें दुबई जैसे दुनिया के बेहतरीन शहर में आपको घूमने का, बेहतरीन कंट्री में घूमने का मौका मिल रहा है। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? ऐसे ही हम लोग दिसंबर में 17 दिसंबर को जकार्ता जा रहे हैं इंडोनेशिया में, जहां पर दोस्तों इस कंपनी का ग्लोबल कन्वेंशन है। आप क्या इंडोनेशिया गए हैं? क्या आपने इंडोनेशिया देखा है? आपके पास मौका है। तो दोस्तों इतना कहना चाहूंगा मैं इस सिस्टम के माध्यम से कि इस सिस्टम में अगर हमें कामयाब होना है तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, नंबर 1, कंपनी के ऊपर फेथ होना बहुत जरूरी है। जब कंपनी इतनी सॉलिड है, इतनी जबरदस्त है, पूरी दुनिया में ये कंपनी अगर इतनी जबरदस्त तरीके से आगे चल रही है, तो दोस्तों आपको सेकंड पॉइंट जो है वो है दोस्तों, आपको इस बिजनेस का नेचर समझना जरूरी है। हमारे जो बिजनेस का जो नेचर है ना वो क्या है, इस बिजनेस में किस बात का ध्यान रखना है आपने, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से फीलिंग आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए इस बिजनेस का नेचर क्या है। इस बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, जब आप जाते हैं इस बिजनेस में है, सिंपल चीजें, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं हेल्थ के लिए, उनको यूज करना है, यूज द प्रोडक्ट। दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, शेयर द बिजनेस, आपको बिजनेस शेयर करना है। और नंबर 3 क्या करना है दोस्तों, केयर द टीम। आपने अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए आपको खुद ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। आज आप इस मैदान में आते हैं, क्यों आते हैं? आप ट्रेनिंग लेने आते हैं। यहाँ हर रोज लोग आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए आपको, आप हर रोज आकर यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हो। उस ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपने आप को मजबूत कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हो, अपने आप को पावरफुल कर रहे हो। और वही ट्रेनिंग जब आप अपनी टीम को देना शुरू करेंगे, आपकी टीम भी मजबूत होगी, आपकी टीम भी पावरफुल बनेगी। तो बात आती है, पहला ट्रेनिंग ये कहता है कि आपको सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करना है, अपने आप को 100% कॉन्फिडेंट करना है कि आप वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में हैं। नंबर 2, बिजनेस का नेचर क्या है, हमको यह बिजनेस शेयर करना है लोगों के बीच में, लोगों के बीच में जाना है, लोगों से मिलना है और अपनी बात को रखना है। अपनी बात को रखने का मतलब है अपने विश्वास को बांटना है। यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता दोस्तों, प्रोडक्ट नहीं बांटा जाता है, ना सेलिंग का धंधा है, यहाँ पर फेथ ट्रांसफर का धंधा है, यहाँ बिलीफ ट्रांसफर करते हैं। जिस आदमी को हमारी फाइल ट्रांसफर हो जाती है वो हमारे जैसा बन जाता है। और जो लोग हमारे बिलीफ के साथ मैचिंग नहीं कर पाते हैं, जो लोग हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, उनको क्या करना है दोस्तों, उनको एक ही काम करना है आपने। जो लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, जिनका बिलीफ लेवल आपके साथ मैच नहीं कर रहा है, वहां क्या करेंगे आप? इसका मतलब क्या हो गया, आपको एक तरीके से मैं कहूं कि आपको एक तरीके से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आप ये बात समझ रहे हैं ना कि लोग आपको, जब आप जाएंगे, जब आप अपना बिलीफ ट्रांसफर करने निकलेंगे, तो लोग क्या करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आप तालियां बजाएंगे, आप हाथ मिलाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, है ना, गले मिलेंगे, वेलकम इन टियांस फैमिली, वेलकम इन ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी फैमिली, वेलकम इन आईडीनेट सिस्टम। आप ऐसे करके अपनी बात को, अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे। बट क्या ऐसा हमेशा थोड़ी होगा, हर आदमी आपसे सहमत हो जरूरी नहीं है ना। जिसने, मान लो आपकी बहन सहमत नहीं है, आपका भाई सहमत नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे आपकी वाइफ है, आपकी बीबी, आपको, आप अपनी बीबी को बहुत पसंद करते हो, आप प्यार करते हो अपनी बीबी को, शादी किया आपने, राइट, बहुत दिल और जान से प्यार करते हो आप अपनी वाइफ को। लेकिन पता चलता है कि जो आपकी बहन है ना, वो उसको पसंद नहीं करती है, उसकी भाभी के साथ बनती नहीं है, तो क्या अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं आप? या हो सकता है आपकी माता जी, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता चला वो आपकी बीवी को पसंद नहीं करती, अपनी बहू को पसंद नहीं करती है। सास बहू कहानियां आप देखते हो ना, सीरियल चलते हैं इसके ऊपर, पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई इन्हीं लड़ाइयों के ऊपर। और देखा है, अक्सर देखा है, सास भी कभी बहू थी, सबके साथ ये खेल चलता रहता है। क्या आप प्यार करना छोड़ देते हैं?
क्या करते हैं, आपको पता है एडजस्टमेंट करना है, अब नहीं बन रही तो नहीं बन रही है, क्या करें, कोशिश करोगे आप, और नहीं हो तो नो, नहीं हो नो प्रॉब्लम। ऐसी जब आप प्रपोजल लेके जाते हैं मार्केट में, लोगों से मिलते हैं तो लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं, कुछ लोग आपको कमियां निकालते हैं, कुछ लोग आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रिजेक्शन आती है, लोग आपके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो आपके साथ नहीं जुड़ते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों हमारी भाषा में रिजेक्शन। नंबर टू काम, पहला आपने कंपनी प्रोडक्ट प्लान एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, बट सेकंड काम क्या करना है नए लोगों के लिए, आपको नए लोगों को आपको रिजेक्शन के बारे में बताना है कि हर चीज हर आदमी पसंद नहीं करेगा। किसी को काला रंग पसंद है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सामने वाले को काले पसंद हो, हो सकता है सामने वाले को सफेद पसंद है, लेकिन आपके पास तो काला है, क्या करोगे आप, मतलब जिसको काला पसंद है भाई मैं उसके पास जाऊंगा, किसी को सफेद है, किसी को नीला है, किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को आपने देखा होगा खाने में भी अलग अलग टेस्ट है सबका, अलग अलग चीजें होती है, जरूरी नहीं है जो आइसक्रीम आपको पसंद है, अगर आपको वनीला पसंद है या चॉकलेट पसंद है तो जरूरी नहीं है सामने वाले को चॉकलेट ही पसंद हो सकता है इसको नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि चॉकलेट खराब है, चॉइस है, यू हैव टू ऑनर, हमें रिस्पेक्ट करनी है लोगों की चॉइस को, हमें रिस्पेक्ट करनी है लोगों के जो लोगों का ओपिनियन है, लोग ओपिनियन रखते हैं, उनके पास कच्चा पक्का नॉलेज होता है, कच्चा पक्का उनके पास आइडिया होता है, फीलिंग होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी कभी कहते हैं ना दूध के जले होते हैं, वो लस्सी को भी फूंक रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लस्सी को फूंकने की जरूरत है, लेकिन उनके उनको पता है हमें तो फूंकना है, हमें तो पता है हम तो पिछली बार भी जल गए थे, हमें थोड़ी पता है कि भैया वो लस्सी थी या दूध था, इसलिए वो दूध को भी लस्सी को भी दूध समझ के फूंकते हैं, दूध का जला हुआ लस्सी को भी फूंकता है कहते हैं ना, इसलिए जब आप मार्केट में जाओगे तो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे और आप हैरान हो जाओगे कि यार लोग मेरे को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, जब इतनी अच्छी कंपनी है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है, सब कुछ अच्छा है, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, दुनिया की सैर कर रहे हैं, बल्ले बल्ले जिंदगी हो रही है, लेकिन लोग फिर भी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आपको हैरानी होगी एक बारी में, लेकिन अगर आपने पहले से अपनी मेंटली तैयार कर दिया, आप जिस चीज को बदल सकते हैं उसके लिए कोशिश करना है और जिसको बदल नहीं सकते उसके लिए एक्सेप्ट करना है, जब ये माइंडसेट आपका होगा, जब आपका ये एटीट्यूड होगा तो क्या होगा, आपकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ये आपने खुद के लिए, कंपनी शानदार है, रिजेक्शन के लिए आप तैयार हैं, यही ट्रेनिंग अगर आपने अपनी टीम को दे दी तो आपकी टीम क्या होगी, आपकी टीम में आग लग जाएगी, आपकी टीम क्या हो जाएगी, फायर, क्या बोलते हैं उसको, फायर, जब आपकी टीम में फायर होती है, जब आग होती है दोस्तों तो फिर क्या होता है, कहते ना ज्वालामुखी, है ना, ज्वाला ज्वालामुखी की तरह आपकी टीम में एक तरीके से अलग तरीके से माहौल होता है। अब बात आती है दोस्तों तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है, वो ये है इस बिजनेस में कि आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हो, why you want to do this business, आपका why क्या है, आपका कारण क्या है, आप इस बिजनेस में आए क्यों हो, आपने क्या सोच के आए हो इस बिजनेस में, क्यों ज्वाइन किया था, जब आपने 50,000 रुपए दिए थे या 30,000 रुपए दिए थे या 15,000 रुपए दिए थे, वो सामान खरीदा था त्यांशी का, वो ज्वाइन किया था, हाथ मिलाया था अपने दिल से, उस टाइम क्या फीलिंग थी, ऐसी कौन सी स्पार्क था कि क्या करना चाहते थे आप जिंदगी में, आपका नाम हो, नेम हो, फेम हो, लोग आपको पहचाने, आप लोगों की सेवा करने के लिए निकले हैं कि मुझे समाज सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, या फिर आपने सपने देखे हैं कि मुझे तो अपनी गरीबी को मिटाना है, जो हमारी पावर्टी है, जो हम गरीब हैं, हम अपने सपनों की जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं, अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उन सपनों को पूरा करना है, क्या था कारण, तो था कुछ ना कुछ, क्योंकि जब आपने देखा कि लोग हमारे साथ जो जुड़ते हैं दोस्तों, उसके पीछे कारण होता है, वो एक ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से लोग हमारे साथ में मेहनत करते हैं, क्या कारण था आपने देखा, ये कारण है, देखिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन क्यों करते हैं, ये कारण है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन, आपने इस ध्यान से बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया, हो सकता है अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए, लेकिन सेहत एक दिन में थोड़ी ठीक हो जाती है, सेहत को अगर ठीक, अगर खराब होने में भी टाइम लगा होगा तो इसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा, किसी वजह से अगर खराब हो गई है तो, अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आप चाहते कि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, तब भी आपको रेगुलर अपने ध्यान देना पड़ेगा अपनी सेहत के ऊपर, अपने परिवार की सेहत के ऊपर। दूसरी बात है कि आप एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं, जो आप कमाई कर रहे हैं इस टाइम, जितनी भी आपकी कमाई है नॉर्मली, उससे आपकी पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए आपको मालूम हुआ कि चलो यहाँ से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम हम जनरेट करेंगे, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आएगा। फिर यह हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा माइनस में, कर्जे में है, और आपको पता है इस कर्ज से निकलना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है जिंदगी में, और जिंदगी चक्की पीसिंग और पीसिंग और पीसिंग पे चल रही है, मतलब आप इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने ज्यादा डेट बर्डन में हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा रास्ता, और अचानक ये अपॉर्चुनिटी मिली और आपको लगता है मुझे कर्जा मुक्त होना है, कितना शानदार कारण है,
आप इस वजह से अपने कर्जा को भी फ्री करेंगे और एक शानदार ड्रीम लाइफस्टाइल जीने का भी मौका आपको यहाँ मिलने वाला है। ना सिर्फ आपका कर्जा मुक्त होने वाले हो आप, कर्जे के साथ साथ आपको एक ऐसा रास्ता मिलने वाला है जहां पर आपके सपनों की दुनिया, सपने पूरे होने वाले हैं, आप अपने सपनों की दुनिया में जीने वाले हो आने वाले सालों में। लेकिन ये काम दोस्तों ये नहीं होगा ओवरनाइट होगा, एक रात में, दो रात में, एक महीने में, दो महीने में, डेफिनेटली इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी है, लगातार काम करना है। जब आप लगातार मेहनत करेंगे, लगातार काम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहां से वो सारे सपने जो आप सोचते हो ना पूरे करने हैं, जो आप देख रहे हैं ना सपने पूरे करने, वो पूरे होने वाले हैं। फॉरेन टूर्स, आप देखिए हमारे पैनल में जब लोग आते हैं ना और बताते हैं कि मैं फॉरेन जा रही हूं, आप सोचिए, जस्ट हैव अ फीलिंग, क्या आपने सोचा था? इन लोगों ने भी नहीं सोचा था जब इस इंडस्ट्री में आए थे कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने बिलीव किया कि हम जाएंगे, जब इतने सारे लोग जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, और आज वो जा रहे हैं हमारे साथ में। पैसिव इनकम, आप घर में बैठे हो, आप सो रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, आपके अकाउंट में पैसे हर रोज बन रहे हो, हर सेकंड में बन रहे हो, पूरी दुनिया में जो बिजनेस करती है कंपनी उसकी रॉयल्टीज आपको मिलती है, मतलब ईच मोमेंट ईच सेकंड, आप रात को सोए हुए, आप रात को घर में सोए हुए, आप बच्चों के साथ फैमिली के साथ घूम रहे हैं, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे बन रहे हैं। दिस इज दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। एंड टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नेम एंड फेम कारण हो सकते हैं। इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं आप, इनमें से कोई आपका कारण है? अपने आप से पूछिए, अपने आप से रीजन ढूंढिए। अंटिल और अनलेस यू हैव अ सॉलिड रीजन, बिग रीजन होना चाहिए, छोटा रीजन नहीं, छोटी छोटी आग नहीं, छोटी आग में छोटी गर्मी होती है, जब आग कम हो ना तो गर्मी भी कम होती है, जब बड़ी आग होती है तो उसकी गर्मी भी बड़ी होती है। तो जब सपना बड़े होते हैं, ड्रीम्स बड़े होते हैं, आदमी उसके लिए भागता है, फाइट करता है। छोटे मोटे सपने तो दोस्तों कुछ भी कर लो आप उससे पूरे कर सकते हैं, छोटे मोटे टारगेट तो कोई भी चीज पूरे कर सकती है आपके। अगर आपके सपनों वाली जिंदगी जीने की टारगेट है, वो आपको शांत होने नहीं देगी, बैठने नहीं देगी, नेगेटिव नहीं होने देगी। आप रिजेक्शन को लव करेंगे, रिजेक्शन आई लव यू ये बोलेंगे आप, क्योंकि आपको मालूम है रिजेक्शन तो आएगा, जब कोई भी काम करेंगे रिजेक्शन आएगा, राइट? तो रिजेक्शन आता है, बट कौन लोग रिजेक्शन को प्यार करते हैं? जिनके ड्रीम्स बड़े होते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं, आप हमेशा ड्रीम्स बड़े हैं, तो आप हमेशा रिजेक्शन को प्यार करेंगे। आप बोलेंगे तो मेरा पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ बिजनेस है, रिजेक्शन तो लोग करेंगे। अगर हर आदमी अमीर बन गया तो ये दुनिया के बाकी काम कौन करेगा? हर आदमी, इसीलिए भगवान अमीर भी नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान को पता है इस धरती को भी, सृष्टि को भी हमें बैलेंस करना है, राइट? इसलिए आप उम्मीद ना करें कि हर आदमी आपके साथ जुड़ेगा, लेकिन जो लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ में आपने एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी और देनी शुरू कर दी, यकीन करेगा वो ऐसे हो जाएंगे जैसे कहते हैं ना डायमंड, डायमंड की तरह चमकेंगे। तो आपने देखा, पहले कंपनी को लेकर, बिजनेस को लेकर आपकी पॉजिटिविटी, सेकंड आप रिजेक्शन के लिए तैयार हैं, तीसरा आपने ढूंढ लिया क्यों करना है इस बिजनेस को। लेकिन दोस्तों नंबर चार, नंबर चार में याद रखिएगा दो गोल्डन रूल है, आज दो गोल्डन रूल को नोट कर लीजिए। दो गोल्डन रूल में पहला रूल यह है कि आपका जो मेंटर है, जो गुरु है टियांस बिजनेस में, अगर आपने नहीं बनाया है, पहले तो बनाना पड़ेगा आपको अपना गुरु और मेंटर। जो भी आपका गुरु और मेंटर है इस बिजनेस में, अगर नहीं है बनाइए, और अगर आपका गुरु है तो आपके पास दो गोल्डन रूल है। नंबर वन गोल्डन रूल है दोस्तों, योर मेंटर, योर कोच इज ऑलवेज राइट। क्या? कि आपका कोच और मेंटर जो बोलेगा यस सर, यस मैडम, बिकॉज ही और शी इज ऑलवेज राइट, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क्स, नो क्वेश्चन एट ऑल। आपने 100% सबमिशन दिखाया, यस यू आर माई गुरु, यू आर माई मेंटर, आई एम इन सबमिशन विद यू। पहला रूल है ये, गोल्डन रूल नंबर वन। नंबर टू, गोल्डन रूल नंबर टू ये है कि रूल नंबर वन इज ऑलवेज राइट। क्या है दूसरा रूल? है दूसरा रूल, गोल्डन रूल है, रूल नंबर वन इज ऑलवेज राइट। एंड रूल नंबर वन क्या था? योर मेंटर, योर गुरु इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज वर्क इन हिज सबमिशन। उनके साथ काउंसलिंग कीजिए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए, उनको डिसीजन नहीं देना है। अगर आपके गुरु और मेंटर हैं, दे नो बेटर देन यू, आपसे ज्यादा वो जानते हैं आपकी भलाई के बारे में,
आपकी अच्छाई के बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में, आपके बेड़ा पार करने के बारे में। यू मस्ट हैव 100% सबमिशन, मीन्स 100% फेथ ऑन योर दैट गुरु, दैट मेंटर, दैट कोच। अगर आपका 100% है तो क्या हुआ, आपने गोल्डन रूल नंबर वन क्या था, यू हैव टू से यस सर, यस मैडम टू दैट वन। एंड नंबर टू क्या है, गोल्डन रूल नंबर टू है कि गोल्डन रूल नंबर वन इज ऑलवेज राइट। दैट इज फोर्थ पॉइंट ऑफ टूडे। एंड फिफ्थ पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए भी, आपकी टीम के लिए भी। आपने भी ट्रेनिंग के अंदर सभी सीख लिया कि पांचवा पॉइंट क्या है आज, और पांचवा पॉइंट आपने टीम को क्या देना है वो सिखा रहा हूं। वो ये है दोस्तों आपको कि हमेशा ऑलवेज कोई भी सेमिनार हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, वो मिस नहीं करने देनी है, कभी मिस नहीं करने देनी है, ना आपने करनी है ना अपनी टीम को करने देनी है। जैसे कि ये वेबिनार है, ये इतना इंपॉर्टेंट वेबिनार है, ये वेबिनार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपने 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में आपने क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में यहां से आप पूरी जिंदगी बदल सकते हो, पूरी जिंदगी। मैं इसको अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जिस तरह की ट्रेनिंग, जिस तरह की एजुकेशन हम यहाँ IDNET सिस्टम में दे रहे हैं, ये आपकी जिंदगी सिर्फ 1 साल में बदल सकता है, 1 साल में। लेकिन वो तपस्या क्या आप कर रहे हैं, आप तपस्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप फल चाहते हो सिर्फ कि तपस्या कोई और करे लेकिन फल हमें मिले, इम्पॉसिबल, क्योंकि जो कर्म आप करेंगे उसी की कटाई आपको मिलने वाली है। अगर आपने कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार, कोई भी ट्रेनिंग, आपके शहर में कोई मीटिंग होती है, कोई सेमिनार होती है सिस्टम की, देन यू हैव नो चॉइस टू मिस दैट। एंड सेकेंड इज ऑनलाइन, स्पेशली ये जूम मीटिंग का जो सेशन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी टीम के लिए। आप आइए और चेक कीजिए, सबसे पहले चेक कीजिए आपकी टीम का कौन सदस्य यहाँ है। अगर आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आपकी टीम का कोई सदस्य यहाँ बैठा है या नहीं बैठा है, सिर्फ आप आए और खुद ही तालियां बजा के चले गए, यकीन कीजिएगा आपकी टीम डुप्लीकेशन नहीं कर रही है। आप क्या कर रहे हैं अपने आप से पूछिए। जो 5 बातें मैंने आपको बताई, इसका मतलब वो 5 बातें फिट नहीं जा रही है। आपके लोगों को कंपनी पर भरोसा नहीं है, कंपनी के सिस्टम पर भरोसा नहीं है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का नाम है, प्रोडक्ट है, प्लान है, राइट। ये जो है ना, इसके ऊपर इतना फेथ होता तो डेफिनेटली आपकी टीम दूसरा काम करती, वो रिजेक्शन को फेस करती, कुछ भी रिजेक्शन होती फेस करती, तीसरा काम क्या करती वो, उनको पता होता ना अगर कि हाँ हम क्यों करना चाहते हैं, क्यों जिंदगी बदलनी है। और फिर वो चौथा पॉइंट गोल्डन रूल भी याद रखती, क्योंकि आपने बोला आना है तो आते, राइट, फॉलो करना है तो करते, यस सर यस मैडम वाली सबमिशन में अगर होते तो यहाँ होते। 5वां पॉइंट क्या था, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये जिंदगी बदलने वाली चीजें हैं। अगर जो आप कर रहे हो आप अपनी टीम से पूछिए, जो आप कर रहे हो अगर वही टीम करेगी क्या आप अमीर हो सकते हैं, आपका जवाब खुद मिल जाएगा कि मैं खुद ही नहीं कर रहा हूं, मेरी टीम भी नहीं करेगी तो मैं कभी अमीर भी नहीं हो सकता हूं। तो अपने आप से पूछिए, जो आप कर रहे हैं क्या चाहते हो आपकी टीम भी वही करे, क्या वही करने से आपकी टीम अमीर हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, आप भी हो जाएंगे। आपका जवाब यहाँ पे आईना क्लियर है, यहाँ पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ कोई डाउट नहीं है किसी को, यहाँ पर किसी को गलतफहमी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है। इस सिस्टम के माध्यम से आपको खुद पता लग जाता है कि आप कितने पानी में, आपका डेडिकेशन कितना है, आपका समर्पण कितना है, कितने जबरदस्त तरीके से आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। सिस्टम का मतलब दोस्तों कोई आदमी नहीं है, सिस्टम का मतलब है एक ऐसी चीज जो हजारों लाखों करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, वही आपने करनी है। अगर आपको यहाँ से मान लो अमेरिका जाना है, आप क्या यूज करेंगे, हवाई जहाज, राइट, हवाई जहाज ही एक व्हीकल है। अगर आपको जल्दी जाना है तो, अगर आपको स्लो जाना है तो पानी का जहाज हो सकता है, उससे भी स्लो जाना है दोस्तों तो यहाँ से आप अमेरिका रास्ते से भी जा सकते हो, अलग अलग रास्ते से कनेक्ट होते हो, अलग अलग देशों से होते हुए, राइट। और उसके अलावा भी है, पैदल भी जा सकते हो आप पैदल भी पहुंच जाओगे अमेरिका, लेकिन पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, कितना टाइम लग जाएगा, आपको डिपेंड करता है आपको जल्दी कितनी है। क्या आपको जल्दी है कामयाब होने की, तो दोस्तों आपको अपने एक्शन में भी जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट हमें जल्दी चाहिए, एक्शन जल्दी नहीं है तो दोस्तों रिजल्ट भी जल्दी नहीं आएंगे। जो हम चाहते हैं वो हमें पहले करना है, जो मैं चाहता हूं मेरी टीम करे वो पहले आपको करना पड़ेगा। मैं जो चाहता हूं वो मैं यहां कर रहा हूं, मैं चाहता हूं जो मैं कर रहा हूं वही मेरी टीम करे। क्या आप ऐसा कर रहे हैं, क्या आप जूम मीटिंग कर रहे हैं? जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ 9 बजे की जूम मीटिंग, आप इसके अलावा भी दिन में एक मीटिंग, मिनिमम एक मीटिंग आप कर सकते हैं जूम में, कहीं पर भी अलग अलग टीमों के साथ में
कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, कभी अपॉर्चुनिटी मीटिंग, कभी कुछ, जब तक ये डुप्लीकेशन नहीं होगा कल्चर। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंडेमिक के लिए ही आया था जूम, लोग इस जूम में डेली 1-1 लाख लोग मीटिंग कर रहे हैं, 1 लाख लोग आते हैं पैनल में, एसएससी लोगों मीटिंग कर रहे हैं, 10,000 लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं, 20,000 लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं, 5,000 लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं। दुनिया क्या कर रही है आपको पता नहीं है, दुनिया कहाँ जा रही है शायद आपको नहीं मालूम, बहुत आगे चल रहा प्रोग्राम, दुनिया मौज ले रही है, हर महीने लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 1-1 महीने में करोड़ों रुपया। आप सोचिए, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि लाख रुपए कैसे आए, 2 लाख रुपए कैसे आए, और लोग यहाँ पे 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, कौन है वो लोग? ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और बाकी जो दूसरे ट्रेडिशनल धंधे में जहाँ उन्होंने लाखों रुपए लगाने के बाद, करोड़ रुपए लगाने के बाद में ऑनलाइन सिस्टम को हायर किया, ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी तो ग्रोथ ही एक्सपोनेंशियल है, उनकी तो पता ही नहीं है कितना कमाते हैं डेली, जितने हम महीने में कमाने की सोचते हैं वो डेली कमा रहे हैं। यानी मतलब दोस्तों वो भी 2 रोटी खाते हैं, वही सब्जी खाते हैं, वही 2 टांगे हैं, वो 2 आंखें उनके पास, 2 ही हाथ है, क्या है, वही दिमाग है उनके पास भी जैसे हमारे पास है, आपके पास है, फर्क तो क्या है, उनकी सोच बड़ी है, उन्होंने अपनी सोच बड़ी की है, और वो रिजेक्शन से, फेलियर से, स्ट्रगल से कभी पीछे नहीं मुड़े हैं। तो एक ही चीज है, अगर आगे बढ़ना है दोस्तों, फाइटर हमेशा जीतता है, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू वर्क, और जब वर्क करते हो तो एक तरीके से फाइट ही होती है, क्योंकि आपका टारगेट क्लियर है, आपके ड्रीम्स क्लियर है, आपके मंजिल क्लियर है, आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं क्या आपने विजुलाइज किया है, क्या आपने फील किया है, हैव यू विजुलाइज योर ड्रीम लाइफ, कैसी जिंदगी होगी, जब आप घर से निकलेंगे क्या फीलिंग होगी, घर आएंगे कैसी फीलिंग होगी, दुनिया को एड्रेस करेंगे क्या फीलिंग होगी, अपने आप को फील करिए कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, हाउ मच यू विल फील योर प्राउड योरसेल्फ, अपने बारे में कितना प्राउड फील करेंगे आप, ये जो चीजें हैं दोस्तों ये काम कराती है इंसान से, ये ड्राइविंग फोर्स है, जो सपने होते हैं ना उसमें फोर्स होती है, ताकत होती है, पावर होती है, ड्रीम हैज अ पावर। पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना सिर्फ ड्रीमर कर रहे हैं, जितनी भी चीजें पैदा ही हुई ना, नई नई चीजें आप देख रहे हैं, ये कौन है, कौन बना रहे हैं इन चीजों को, नई चीज पैदा होने का मतलब है किसी ड्रीमर ने, किसी पागल ने कुछ सोचा, कुछ सपना देखा, और उस सपने को पैसे पूरा होगा उसके लिए दिमाग लगाना शुरू किया, काम करना शुरू किया। अगर आपने सपना देखा होगा वो सपना आपसे काम कराएगा, बट पहले सपना देखना पड़ेगा। डू यू हैव ड्रीम्ड, क्या आपने ड्रीम लिया है, अगर आपने ड्रीम नहीं लिया है, ड्रीम देखिए, सपना देखिए, विजुलाइज करिए, फील करिए, एहसास कीजिए, जब ऐसी जिंदगी होगी तो कैसा लगेगा। मैं महसूस करता हूँ कि आने वाले टाइम में जिस तरह की जिंदगी, जिस तरह का माहौल बन रहा है, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं इस टाइम, इस स्क्रीन में क्या है, दिस इज ड्रीम लाइफ, यकीन करिएगा, दिस इज अ ड्रीम लाइफ। ये आपके लिए भी है, ये मेरे लिए भी है, ये हम सबके लिए है। ये जो स्लाइड है, व्हाई पीपल ज्वाइन टीम्स, आपने बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सबसे पावरफुल रीजन है इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ऐसी लाइफस्टाइल आपकी बने, ये आपका सपना एक ऐसी फोर्स पैदा कर सकता है, एक ऐसी ताकत पैदा कर सकता है जिसकी वजह से आप कभी अनस्टॉपेबल होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमारे 5 पॉइंट को याद रखिएगा, ये जिंदगी बदलने वाले हैं, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस दिन आपने शिद्दत के साथ, जुनून के साथ काम करना शुरू कर दिया उस दिन आपकी शुरुआत होती है। कभी कभी लोग जागते हैं 6 महीने में, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल, 8 साल, 9, 10 साल निकल जाते हैं इस बिजनेस में, लेकिन वो आत्म अनुभूति नहीं होती है, वो जागरण नहीं होता है, लेकिन 10 साल बाद एक स्पार्क पैदा होता है और काम निकलता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल खराब हो गए, क्योंकि उसका टाइम आया था, अब वो टाइम आया था समझने का, सोचने का, करने का, और उन्हें कर डाला। तो ये फर्क नहीं पड़ता आप कब से हो इस बिजनेस में, अगर आज आप जाग गए, आज के बाद ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। आई होप आज का सेशन आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्न किया होगा, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू यू, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडियन सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।